मैया से प्रेम कर रहे हैं, मैया बात बड़ी मीठी बातें कर रही हैं, तो कब बड़ो होएगा, कब गैया चरा दे जाएगा, ऐसी वार्ता मैया बेटा की चल रही है। इतने में मैया को याद आया कि चूल्हे पर दूध रखा है, तो दौड़ कर गई तो ठाकुर जी ने क्रोध में आकर महाराज एक चपटिया में डंडे से मारा और तोड़ दिया, और एक उखल रखा था उल्टा, उस उखल पे चढ़ के महाराज वो मलरिया में से माखन निकाल निकाल के खुद भी खा रहे हैं, बंदर अन्न भी लुटा रहे हैं। बड़ी सुंदर छवि है महाराज ठाकुर जी की, सबरे में माखन लगा हुआ है, काजल फैला हुआ है। तो वेदों की बात आती है तो उसमें क्या कहा गया, धूली धूसरी तांबो, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है धूली धूसरी तांबो रत्यति वेदांत सिद्धांत। यदि वेदों की बात करें तो वेदों का सिद्धांत क्या है, ये साक्षात प्रभु भी है। क्योंकि वेदों में व्यक्ति क्यों प्रवेश करता है, हमारे शास्त्रों में क्यों प्रवेश करता है, क्या कारण है, और वेद क्या कहते हैं, सर्वे वेदाजित पद्मावनंति, सारे वेदों का सार यही है ठाकुर की शरण ग्रहण करो। और वेदों को क्या कहा गया है, परम मृदुपदेश मातृयत्वम निगम वनेशु नितांत खेद खिन्ना, अर्थात वेदों को निगम वनेशु वन कहा गया है, निगम रूपी वन, अर्थात वेद रूपी वन, जैसे हमने कल वर्णन किया था भवाटवी, परसों की वह चर्चा है तृतीय दिवस में, बहु को अटवी कहा गया है, यहाँ पे निगमाटवी कहा गया है, निगम रूपी वन। तो जिस प्रकार घनघोर वन में साधारण जीव का संचार नहीं होता, आपका बहुत घनघोर वन है कोई, क्या उसमें साधारण जीव प्रवेश कर सकता है, नहीं कर सकता। इसी प्रकार निगम रूपी जो वन है उसमें भी साधारण जीव का प्रवेश नहीं होता, इतनी क्लिष्ट भाषा है, इतनी गूढ़ संस्कृत है, इसलिए साधारण जीव निगमाटवी में भी प्रवेश नहीं कर सकता। जिस प्रकार वन में महाराज सिंह का संचार यथेष्ट रूप से होता है, उसी प्रकार इस निगम रूपी वन में जो बड़े बड़े ब्रह्मविद हैं, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, उनका संचार यथेष्ट रूप से होता है, वही उनकी भाषा को समझ सकते हैं। परंतु बाद में क्या होता है, नितांत खेद खिन्ना, खेद से खिन्न हो जाते हैं, क्योंकि वेदों की भाषा, वेद अपौरुषीय है, साक्षात प्रभु की वाणी है, तो इसलिए उन्हें समझना साधारण बात नहीं है। इसीलिए महाराज वेदों के अनुसार, पढ़ने के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग शाखाएं बन गई, क्योंकि वेदों का बहुत जो अर्थ है वो बहुत विस्तृत है, कितने वेद हैं, फिर उनके उपनिषद हैं, कितनी श्रुतियां हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, धूलती धूसरी तांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत, जैसे मानो वेदों का पूरा सिद्धांत श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो गया। ये वेद बहुत फैले हुए हैं, बहुत विस्तृत हैं, परंतु श्री कृष्ण के रूप में पुंजीभूत होकर कहाँ हैं, कौतुकमेकं नंद निकेतन मये मया दृष्टम, महाराज कौतुक करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, माखन चुराते हुए श्री कृष्ण के रूप में कहाँ विद्यमान है वेदों का सिद्धांत, तो बोले नंद बाबा के महल में धूल से निसृत महाराज अलकावलियां बिखरी हुई हैं, मुंह पे धूल लगी हुई है, वेदांत सिद्धांत नृत्य कर रहा है, धूलि धूसरी तांबो नृत्यति वेदांत सिद्धांत, यही वेदों का सिद्धांत है। क्योंकि जितनी भी बातें हैं हम जो संचार करते हैं वेदों में, संचारों निगमांत वीतीशु मुदा, ये वेदों की जो गलियां हैं ये क्या हैं, ये हमारे ब्रज की गलियां ही हैं, जैसे हम ब्रज की गलियों में निगमन संचार करते हैं उसी प्रकार हम वेदों की गलियों में संचार करते हैं। कारण क्या है, कारण है वेदों में भी हम उसी सिद्धांत को ढूंढते हैं, उसी परम ब्रह्म परमात्मा को ढूंढते हैं, और ब्रज की गलियों में भी उसी कृष्ण को ढूंढते हैं,
कहीं से महाराज सेवा कुंज में कहीं से कोई प्रसादी महाराज कोई अलंकार प्राप्त हो जाए, कहीं से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए कभी तो ठाकुर जी पलक झपकते हुए दिखाई दे जाए, कहीं से कोई प्रसादी मिल जाए, तो ये वृंदावन की कुंज गलियों में जो संचार है यही वेदों के निगमांत में संचार है। दोनों एक ही है, दोनों स्थानों पर लक्ष्य एक ही है, प्रभु को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से महाराज बहुत सुंदर वर्णन आता है। एक श्लोक और प्राप्त होता है, मूर्ति भूतम भाग देहम यदुना। यदुवंशियों की जो शिरोमणि है उनके रूप में श्री कृष्ण ने अवतरण लिया, अवतार लिया। दूसरा, पुंजी भूतम प्रेम गोपांगना नाम, गोपियों का पुंजीभूत प्रेम ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ है। एकी भूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, श्रुतियों का गुप्त वित्त अर्थात जो वेदों का गुप्त वित्त है, जो खजाना है, जो धन है, जो बिखरा हुआ है इतने शास्त्रों में, इतनी श्रुतियों में, इतने उपनिषदों में, वही महाराज इकट्ठा होकर एकी भूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, वही इकट्ठा होकर श्री प्रभु के रूप में प्रकट हुआ है। और श्यामी भूतम ब्रह्ममे संविधत्ता अर्थात श्याम वर्ण होकर परब्रह्म परमात्मा ही अवतरित हुए हैं। तो ऐसा महाराज प्रभु का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। दामोदर लीला हुई महाराज, मैया ने देखा कि जाने तो सबरी मटकिया मरलिया चपटिया सब तोड़ दें, अब बंदर ने और खिला रहा हूँ। महाराज क्रोध में आई, अब लाला समझ गए कि मैया को क्रोध आ गया, तो पनाव की महाराज झूठ मूठ रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज आंख मीड़ मीड़ के रो रहे, काजल सारा आंखों में फैल गया, मैया को लगा महाराज डर गया, छड़ी फेंक दी, परंतु उन्हें पता था कि जब फिर कोई ना कोई कौतुक करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अब तो मैं तो बांध के ही मानूंगी, ना तो माने वो ना। महाराज रस्सी ली और उखल से बांधने लगी। अब महाराज बार बार बांधे और बार बार रस्सी दो अंगुल छोटी हो जाए। अब मैया ने कही कोई बात नहीं, दूसरी रस्सी लाई वो बांधी, माँ से बांधो फिर दो अंगुल छोटी, और रस्सी लाई बांधो दो अंगुल छोटी। महाराज वीणी खुल गई, पसीना में लखपत है गई, गोपी आए के समझाने लगी मैया रहने दो बालक है, बोले नहीं अब तो मैं बांध के मानूंगी। तो महाराज जब प्रभु के सामने प्रभु और भक्त की होड़ लगती है तो भक्त के लिए महाराज प्रभु भक्त को आगे कर देते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। इसी प्रकार महाराज मैया की जिद को उन्होंने आगे कर दिया, मैया ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद महाराज मैया अपने कार्यों में लग गए। इधर महाराज उसी आंगन में यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे, उसमें महाराज यमला अर्जुन के दोनों वृक्षों में नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के जो दो पुत्र थे उनको नारद जी का श्राप था, वही दोनों यमला अर्जुन के रूप में वही विद्यमान थे। ठाकुर जी ने महाराज बीच में से निकल के उनका उद्धार किया है, दोनों वृक्ष तड़तड़ गिरे हैं, दोनों महाराज वृक्ष दो एक सुंदर सुकोमल पुरुषों के रूप में विद्यमान हुए हैं। ठाकुर जी से सुंदर स्तुति की है, ठाकुर जी की परिक्रमा करके महाराज पलायन किया है। सब इकट्ठे हो गए, देखने लगे महाराज जी वृक्ष कैसे गिर गए इतने बड़े बड़े, और ठाकुर जी वहाँ बीच में विराजमान है। बाबा तुरंत लपके आए, ठाकुर जी को गोद में लिया, अंदर ले गए। इस प्रकार से महाराज ये दामोदर लीला का भी समापन होता है। इसके बाद महाराज और बहुत सी लीला की है। इसके बाद ठाकुर जी ने ब्रज छोड़कर वृंदावन में पदार्पण किया है। वृंदावन में भी महाराज बहुत सुंदर वृंदावन की शोभा का वर्णन हुआ है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्। वृंदावन में पधारे हैं, वृंदावन में आकर महाराज अघासुर मर्दन किया है। अघासुर मर्दन के बाद महाराज उसके मुंह से बाहर निकलकर फिर उन्होंने इनका हमारे ब्रह्मा जी का मोह जो हुआ था उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक वर्ष तक लीला संपादित की प्रभु ने। अब इसकी भी बहुत तात्विक चर्चा है, बहुत विस्तृत चर्चा है, अभी तो संभव नहीं हो पाएगी,
तो इसलिए सूप शुरू नहीं करते हैं। ठाकुर जी महाराज वन भोज के समय की बात है, सभी के साथ भोजन कर रहे थे। इतने में ही ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा ब्रह्म है जो महाराज गोप बालकों के समक्ष बैठकर उनकी झूठन खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर भी परीक्षा लेने के लिए महाराज जब वनभोज कर रहे थे तो कहिया कहीं जो बछड़ों को चराने आए थे वो कहीं निकल गए दूर प्यास के मारे, तो उन्होंने बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। सभी बोले महाराज बछड़े काफी देर हो गई, दिखाई नहीं दे रहे, बहुत विलंब हो गया, हम देख के आते। ठाकुर जी बोले तुम भोजन करो मैं जाता हूं। ठाकुर जी जैसे ही देखने गए इधर पीछे से उसने गोप बालकों का भी हरण कर लिया। अब गोप बालकों का हरण किया, ठाकुर जी वापस आए, ठाकुर जी ने देखा बालक भी गया उधर, गैया बछड़े भी नए मिले, ध्यान लगाया समझ गए महाराज ब्रह्मा की करतूत है। तब प्रभु ने साक्षात विष्णुमय कर दिया, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्व स्वरूपों भव, समस्त स्वरूप धारण कर लिए, जितने ग्वाल बाल थे उतने स्वरूप ले लिए, जितने बछड़े थे उतने स्वरूप ले लिए। और उसके बाद जो इतना ही नहीं उसमें आया है, भागवत जी का वर्णन है कि गयों के जितने भी आभूषण थे वो भी विष्णुमय हो गए, अर्थात जो आभूषण थे वो भी विष्णु हो गए, जो गोप बालकों के वस्त्र थे, जो उनके आभूषण थे, जो उनकी लकुटियाँ थीं, मरलियाँ थीं, वो सब सींगा थे, वंशी थी, वो सब भी ठाकुर जी विष्णुमय हो गए। और एक वर्ष तक लीला संपादित की है प्रभु ने। लीलाधर की लीला न्यारी ब्रह्मा मोह भयो अति भारी। जब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि महाराज गोप बालक तो मेरे पास है, ये सबरे बछड़ा मेरे पास है, फिर ब्रज में कौन के संग लीला चल रही है, तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि मुझसे भूल हुई है। प्रभु ने ले जाकर एक वन में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करके क्षमा मांगी है। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप प्रजो कसाम यद मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये ब्रज के गोप बालक धन्य हैं क्योंकि इनका जो मित्र है वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सनातन पर ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार से स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने महाराज उसमें चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर वर्णन आया है कि शिशु वत्स करी ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमायते मांगे न प्रसाद, तोमार नाभि पद्म हेते अमार जन्मोदय, तुम्ही माता पिता अमी तोमार तोनय। इस प्रकार से महाराज बहुत सुंदर चर्चा है। इसके बाद महाराज देनुकासुर कालिया मर्दन की लीला है। कालिया मर्दन लीला में महाराज ब्रज में यमुना जल में कालिया ने अपना निवास बना रखा था क्योंकि गरुड़ से छिपकर, गरुड़ जी से एक बार कालिया का युद्ध हुआ था, गरुड़ जी ने घायल किया, तो प्रत्युभय से वो अपने यमुना जी में आकर अपने परिकर के साथ निवास करने लगा क्योंकि गरुड़ को शाप था सौभरे ऋषि का कि वो यमुना जी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए महाराज यमुना का सारा जल विषैला कर दिया। एक दिन प्रभु अपनी मंडली के साथ वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे तो कुछ गोप बालकों ने प्यास लगी तो उस जल को पिया तो मूर्छित होकर गिर गए। प्रभु ने अपनी दृष्टि से ही सबको जीवित कर दिया और कालिया का उद्धार करने के लिए महाराज कमर में फेंटा कस के और एक बड़े कदम पर चढ़कर यमुना जी में कूद गए। और जैसे ही महाराज कालिया को पता चला कि मेरे साम्राज्य में किसी बालक ने प्रवेश कर लिया और वो उपहास कर रहा है मेरा, तो महाराज मर्म स्थानों पर दंश करने लगा। ठाकुर जी ने मूर्छित होने का नाटक किया। इधर महाराज सारे बालक घबरा कर ब्रज में भागे, सभी को बुलाकर लाए। मैया ने देखा महाराज कालिया नाग की कुंडली में श्री कृष्ण बंधे हुए हैं, मैया मूर्छित होकर गिर गई। महाराज कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण एक मुहूर्त में ही उसकी पकड़ से निकले और उसके
शीश पर चढ़कर, 100 सिर थे उसके कालियानाथ के, उसके शीश पर चढ़कर नृत्य करने लगे। जैसे ही वो शीश उठा था, महाराज अपने चरणों से कुचल देते। महाराज कालियानाथ भी मूर्छित हुआ। कालिया की पत्नियां वहां पधारी हैं, पत्नियों ने महाराज प्रभु से प्रार्थना की है, कस्यानुभावो अस्य ना देव विद्महे तवां घृणेणु स्पर्शाधिकार, और यद्वांछया श्रीर नग्नाचरत तपो विहाय कामान सुचरम धृतव्रता। यह पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, जो लक्ष्मी जी युगों युगों से आपकी सेवा कर रही हैं, तो जो चरण रज उन्हें भी प्राप्त नहीं है, वो इस कालिया को किन पुण्यों से प्राप्त हो गई, हम ये समझ नहीं पा रही। क्योंकि न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना, कि जिसे आपकी चरण रज सेवन करने को मिल गई, उसे इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ तक मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। तो हे प्रभु, कालिया पर कृपा कीजिए, इसे क्षमा दान दीजिए। कालिया महाराज चेतनता को प्राप्त हुआ है। कालिया ने कहा है कि महाराज हम तमोगुणी प्राणी हैं, हमारा तो ये स्वभाव है, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको पता है, आप कृपा कीजिए। तब ठाकुर जी ने कहा है, मुझे पता है कि तुम अपना द्वीप, जो रमणक द्वीप है, उसे त्याग कर यहाँ क्यों निवास कर रहे हो, तुम जाओ, मैं तुम्हें आशीष प्रदान करता हूँ कि करुण तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ वहीं पर अपने परिकर के साथ निवास करो और इस यमुना के जल को शुद्ध होने दो। इसके बाद महाराज कालिया ने वहां से प्रस्थान किया है। फिर कालिया की और गरुण जी की माता दोनों में वैर है। सुपर्णा सूत गरुणम साक्षात यज्ञेश वाहनम सूर्य सूत मनुरूच कद्रूर नागान अनेकशः, विनता के पुत्र दो पुत्र हैं, एक गरुण है एक अरुण है। गरुण प्रभु के श्री विष्णु जी के साथ ब्रज वाहन है और अरुण जो है वो सूर्य के सारथी हैं, और कद्रु से अनेकों नागों की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए महाराज ये ऐसा जो वर्णन आया है भागवत जी में कालियानाग का। इसके बाद महाराज प्रलंबा स्वरूप सुर का उपमारा संहार किया है ग्वाल के रूप में, वहां भांडीर वन की एक लीला है। परंतु अब थोड़ा सा हम वेणुगीत में प्रवेश कर लेते हैं, क्योंकि दो प्रसंग